और ये स्टोरी लंबी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो ये मैडम रह जाएंगी, तो पहले मैडम को सुन लेते हैं, फिर मैं मेरी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। मैडम आप कुछ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी है जैसे कि आप जानते हैं, और मैं बहुत मतलब जूम ऐप पर जहाँ मोदी केयर की मीटिंग्स होने लगी है लॉकडाउन में, वहां तो मैं पहली बार आज बोल रही हूँ। तो चाहती हूँ कि मेरे बारे में कुछ बता दूं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, या जो मेरे पहले की जर्नी और अब की जो जर्नी, पहले से अब तक की जो जर्नी रही है उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस आया है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरा मेरा पियर है फुलेरा, सांबर के पास में एक गांव है, जंक्शन है, तो वहां पे मेरा पियर है। और उससे पहले मैं रही हूँ जैसलमेर, जहाँ मैंने 10th की पढ़ाई की। मेरे पापा सरकारी जॉब में थे और फिर वहां से हम यहाँ आ गए। मेरी दीदी की शादी करनी थी, हम 3 भाई बहन हैं, तो शादी करनी थी, तो हम वहाँ पे यहाँ पे फुलेरा आ गए। फुलेरा से फिर मैंने 11th और 12th भी मैंने यहीं पे की। उसके बाद जब कॉलेज शुरू हुआ तो पता चला कि कॉलेज में कोएड है, मतलब लड़के और लड़कियों का एक साथ है, और हम गांव में रहते हैं तो गांव में ये अलाउ ही नहीं था मुझे जाना। तो फिर मैंने वो पोस्टपोन कर दिया कि मुझे वो करना है, मैं सिर्फ प्राइवेट ही मैंने पढ़ाई की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल करने के बाद। फिर मैंने एमए किया, एमए जब प्रीवियस कर लिया उसके बाद फाइनल हुआ, उससे पहले मेरी शादी हो गई। वो भी मिडिल क्लास फैमिली थी, और यहाँ पे जब मेरी शादी हुई तो ये भी मिडिल क्लास फैमिली। तो वहां पर भी मैंने बहुत काम किए, जब मैं पीयर में थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं सिलाई विलाई करती थी और अपने काम से अपने मम्मी पापा का हाथ बटाया करती थी, क्योंकि मेरे पापा तो जो सरकारी जॉब थे तो जैसलमेर साइड रहते थे और मम्मी यहाँ रहती थी, तो सर्वाइव करना बहुत वो हो जाता है कि क्योंकि दोनों साइड का खर्चा चलता था। तो फिर धीरे धीरे फिर मेरी शादी हो गई, शादी करने के बाद जयपुर आ गए। अच्छा, शादी से पहले भी यही था कि शादी करनी है तो जयपुर में करनी है, किसी गांव में नहीं जाऊंगी, गांव में रही जरूर हूँ पर मैं गांव में नहीं जाऊंगी, इतना था। और कुछ करने का था तो जब आर्ट्स लिया था तो अगर टीचर बनेंगे तो टीचर ही बनना था, तो ठीक है भाई टीचर बन जाऊंगी, लेकिन वहां पर भी मैं ना जॉब नहीं कर पाई क्योंकि वो गांव था, तो वहाँ गाँव में कोई अलाउड नहीं करता जॉब करने के लिए। तो मैंने यही छोटे मोटे काम की सिलाई वगैरह। तो फिर शादी हो गई, शादी होके यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद मैंने एमए फाइनल किया। उसके बाद मैं सोचती मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। शुरू से सरका ये रहा है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है किसी, तो मैंने कहा ठीक है नौकरी नहीं करते, बच्चे हो गए, 7 साल तक घर पे ही लगे रहे। और उसके बाद में मेरी छोटी बेटी जब हुई तो फिर सर ने जिम खोला, फिर उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे भी कुछ करना है, तो मैं जिम में गई ये सोच के कि भाई मैं कुछ करूंगी। तो वहां फिर मैंने थोड़े टाइम जॉब किया, ऐसे ही जिंदगी चल रही थी, फिर दूसरा जिम खुला, तीसरा खुला, ऐसे करके 3-4 जिम खोल लिए सर ने कैसे कैसे करके, पर लाइफ वही चलती रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, वही घर वही जाना आना और स्ट्रगल इतना। सुबह 4 बजे उठती थी, 7 बजे 8 बजे तक अपना काम करने के बाद बच्चों को इधर उधर स्कूल भेज के। अच्छा, मेरे सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया उस चक्कर में, मेरे जेठ जेठानी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चे छोटे थे उनको वो रख लेते थे, मैं चली जाती थी। अच्छा, कुछ जिम विम संभालना था तो वैसे मेरी दुगनी हो गई जिम्मेदारी कि घर भी था और बच्चे भी थे। तो सुबह 4 बजे उठना, फिर 8 बजे मुझे जिम पहुंचना, फिर वहां से 12 से 1 वापिस आना, फिर शाम को 4 बजे वापिस जाना, और फिर वहां से 9-10 बजे आना। तो मैंने मेरे बच्चों को ऐसे जैसे सोते हुए बड़े देखते ना बच्चों को, वैसे देखा है, ऐसे सीधा हमारे साथ साथ चलते हुए नहीं देखा, क्योंकि आते जब तक वो सो जाते थे, सुबह स्कूल भेज देती थी, बस इतना ही था, ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही स्ट्रगल वाली, और मेरा ये मिडिल क्लास फैमिली और बहुत पुराने ख्यालों की फैमिली, तो साड़ी वाड़ी घूंघट एंड ऑल, तो मैं दिन भर में 7 बार कपड़े चेंज करती, आज भी करती हूँ, 7 बार कपड़े चेंज करती थी, जिम जाना आना, फिर घर पे आके चेंज करो, फिर जिम में जाके चेंज करो। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, पर ठीक है रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर एक दिन किस्मत ने पलटी मारी, पता नहीं कैसे, कि भाई आलोक भैया ने घर पे बुलाया, उस दिन भी वही हेक्टिक शेड्यूल था हमारा, फिर भी चलो सर ले गए मुझे। अच्छा, सर जो बोलते मैं करती हूँ, वो मेरे मेंटर भी है, मेरे हस्बैंड भी है, मेरे गुरु भी है, मेरे सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नए उस पे लाके खड़ा कर दिया, मैं गांव वाली जिंदगी छोड़ के और एक सीधी सादी छोड़ के एक मुझे वर्किंग वूमेन बनाया उन्होंने मुझे, तो उसके लिए मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ। और दूसरा, फिर हम जब आलोक भैया के घर पहुंचे तो वहां पर हम 3 से 4 लोग थे, और
मीटिंग हुई हमारी और उसके उस दिन हमने जो डिसीजन लिया ना, मैं ये सोचती हूँ वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने ले लिया। अब वो चाहे कैसे ही था, उस दिन बहुत सिर में दर्द हो रहा था, वट एवर जो भी हो रहा था, पर जो भी डिसीजन था उस दिन कि हाँ भाई हमें ये करना है, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था जो कि हमें आज आज ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ना, आज ये फील हो रहा है, क्योंकि जो रोज शटर उठाते हैं और शटर डाउन करते हैं ना, उनकी जिंदगी बेहाल हो रखी है। और हमारा ये कि ठीक है हम मोदी केयर कर रहे हैं, मेरा भी जिम बंद है, जिम में आज भी करते हैं काम, लेकिन जिम बंद है मेरा, डेढ़ महीना तो हो गया है और आगे भी पता नहीं कितने दिन बंद रहेगा। पर मोदी केयर नाम इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब एक बहुत ही खुशी देने वाली एक वर्ड है ये मोदी केयर, जिसने हमारी ना जिंदगी बदल दी। उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी समीर सर का, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में एक इंडियन कंपनी इन्होंने हमें ऐसी दी कि उसके जरिए हमारे कितने परिवारों का भला हो रहा है और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। मुझे मैं थैंक्स करना चाहूंगी तरुण सर का, सुरेखा मैम का, कनिका मैम का, आलोक भैया का, कपिल भैया का और अनीता मैम का, इन सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने हमें अपने साथ लेके हमें एक बिल्कुल बच्चे की तरह संभालते रहे हमें। अनीता मैम तो मुझे हमेशा मतलब एक पता नहीं क्या छोटी बच्ची या छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है, मीनाक्षी ऐसे बहुत अच्छा लगता है। कनिका मैम के साथ बैठो तो भी बहुत अच्छा लगता है, इन सबसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। और मोदी केयर में भी और मैं मेरे फील्ड में, जैसे मैं जिम चलाती हूँ तो मैं दोनों में यही कहती हूँ कि फील इट एंड अचीव इट। अगर आप किसी चीज को फील करते हो तो आप उसे पा लेते हो। तो अब हम मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं मेरे पता नहीं क्या क्या शौक रहे हैं, सूट पहनना, बाहर जाना और घूमना और बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो सारे धीरे धीरे सारे फुलफिल हुए। मैं जब फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी ना, उस दिन मेरा बर्थडे था और हमें समीर सर ने पर्सनली टिकट देके बुलाया था, ये मेरे लिए मैं भूलती नहीं हूँ उस दिन को, कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और फॉरेन ट्रिप हो गए हैं और अब तो ये है कि 5-स्टार होटल जैसी चीज ही दिमाग में आती है अब, और कहीं रुकने का नाम ले तो नहीं, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे कि लग्जरी लाइफ हो गई है, पर बहुत अच्छा। और हमारे जरिए हमारे साथ में इतने लोगों की जिंदगी बदल गई है कि क्या बताएं। तो थैंक यू और बस मोदी केयर करते रहिए, बस मोदी केयर ही है मेरे तो आसपास की दुनिया, मेरे तो सब कुछ, मेरे बच्चे भी मोदी केयर, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी बस मोदी केयर। थैंक यू सो मच मोदी केयर हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच।